नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बागपत में 9 जुलाई की सुबह जैसे ही पूर्वांचल के कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी का मर्डर हुआ, उसने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। साथ ही विरोधियों को भी योगी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। सूबे के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजरंगी हत्याकांड पर ट्वीट के जरिए योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, आज यूपी में ना तो कानून बचा है ना व्यवस्था, हर तरफ दहशत का वातावरण है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो जेल तक में हत्याएं कर रहे हैं। ये सरकार की विफलता है। प्रदेश की जनता इस भय के माहौल में बहुत डरी सहमी है। प्रदेश ने ऐसा कुशासन और अराजकता का दौर पहले कभी नहीं देखा है। आपको बता दें, करीब 40 हत्याओं के आरोपी मुन्ना बजरंगी की सोमवार को जेल में ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पश्चिमी यूपी के बदमाश सुनील राठी का नाम सामने आ रहा है, जो बागपत जेल में ही बंद हैं। फिलहाल इस मामले की योगी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। वैसे आपको बता दें, अभी हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब यूपी के दौरे पर थे, तो उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आगरा में योगी सरकार की पीठ थपथपाई थी। कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी थी कि गुंडे पुलिस से डरने चाहिए, इसकी जगह पुलिस गुंडों से डरती थी। आज स्थिति ऐसी हो गई है, योगी जी ने जिस प्रकार से डंडा चलाया है, सारे गुंडे यूपी छोड़कर आसपास के राज्य में। ऐसे में इस वारदात ने योगी सरकार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस वारदात के बाद योगी सरकार को कोई बड़ा एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो जिस बिगड़ी कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी ने 2017 में सत्ता हासिल की थी, वही 2019 में बीजेपी को भारी पड़ सकती है।